हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज एक नए दिन और नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और आज का व्लॉग भी बहुत ही स्पेशल किस्म का है। और वो स्पेशल इस तरह से है कि आज जो है हमारे अजलान साहब की बर्थडे है। आज अजलान साहब जो है 1 साल के हो गए हैं। और आज मैंने बर्थडे के लिए जो सबसे पहली डिश बनाई थी वो मैंने जो है वो ब्रेड जेली कस्टर्ड बनाया था। और इसके लिए सबसे पहले मैंने जेली बना के वो मैंने फ्रीज़र में लगा दी है। अब मैं जो कस्टर्ड है वो रेडी कर रही हूँ। तो बस इसमें मैंने ड्राई मिल्क और कस्टर्ड पाउडर के दोनों इकट्ठे मिक्स करके फिर पानी डाल के उनका मैंने घोल सा बनाया। और फिर दूध के अंदर मैंने शामिल कर दिया था। शुगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले रही थी। अब ये ब्रेड स्लाइस जो है मैंने मक्खन लगा के जो है गर्म कर लिए थे। इनको कट करके मैंने ब्रेड ये डाल के कस्टर्ड डाल के उसके ऊपर मैंने फैला के फिर मैंने कस्टर्ड डाल दिया था। अब जब जेली सेट हो जाएगी तो फिर वो एक लेयर उसकी लगाऊंगी और फिर ऊपर से इसको गार्निश कर लूँगी। लेकिन ब्रेड स्लाइस जो है वो आपकी ब्रेड उसके लिए जो है आपकी ब्रेड मीठी होनी चाहिए। और अब ये जो है मैंने बनाने जा रही हूँ दूसरी डिश जो है वो कश्मीरी चिकन कौरमा। इसके लिए मैंने 2 से 3 मीडियम साइज़ के आनियन कट करके हुए। जब लाइट सा कलर आया तो फिर मैंने 2 से 3 स्पून इसमें लहसुन अदरक का ददरा कूटा हुआ पेस्ट जो है वो शामिल कर दिया है। उसकी मैंने जैसे स्मेल ख़त्म की उसके बाद मैंने चिकन डाल के उसका मैंने कलर चेंज होने तक उसको मैंने जो है उसके अंदर उसकी बुनाई की। उसके बाद अब मैं इसमें स्पाइसेस जो है वो मैंने इसमें शामिल कर लिए हैं। स्पाइसेस में जी मैंने 1 स्पून टर्मरिक डाली है, 1 स्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स, 1.5 स्पून सॉल्ट डाला है और 1 स्पून ही इसमें मैंने साबुत जीरा डाला है। उसके बाद जी फिर मिक्स करने के बाद स्पाइसेस मैंने इसमें कटे हुए 2 से 3 टमाटर शामिल कर दिए हैं। और अब जब टमाटर जो हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर इसमें जो है मैं इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करूँगी। और फिर कौरमे के लिए जितना मुझे पानी चाहिए वो शामिल कर दूँगी। बस कुछ पार्ट जो है मैंने इसके स्किप कर दिए थे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी। बहरहाल मैं आपको साथ साथ पानी बताती जाऊँगी। अब ये हमारा कौरमा हो गया था रेडी। अब जो इसमें मसाले वगैरह जाएंगे वो इसको मैं सर्व करते टाइम इसमें डालूँगी और वो मैं आपको बता दूँगी। अब मैं कश्मीरी बीफ बिरयानी बनाने जा रही हूँ जिसके लिए मैंने 4 से 5 मीडियम साइज़ के अनियन कट करके उनको मैंने सोते किया जस्ट। और उसके बाद मैंने 4 से 5 स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट दरदरा कूटा हुआ वो शामिल कर दिया था। अब मैंने इसमें साबुत मसाले डाले हैं 2 स्पून और बस मैंने उनकी भुनाई की। और अब ये 2 से 3 मैंने टमाटर जो है वो शामिल कर दिए हैं। और बस अब जो है इसके बाद भी हमारे टमाटर हो जाएंगे सॉफ्ट। तो फिर उसके बाद मैंने इसमें 1 स्पून चिली फ्लेक्स पाउडर डाला था और 2 से 3 स्पून मैंने इसे सॉल्ट डाला है। उसके बाद एक बिरयानी मसाले शान बिरयानी मसाले का पैकेट मैंने इसमें पहले शामिल किया, यानी कि जब बीफ बॉयल किया हुआ कुक किया हुआ मैंने इसमें डाला तो वो उस टाइम मैंने शामिल कर दिया था। अब ये दूसरा पैकेट मैंने इसमें शामिल किया है और अब जो है ये भी डाल के इसकी मैं भुनाई करूँगी। आपने जो बीफ है इसको आपने पहले से जो है वो बॉईल कर लेना है। लेकिन एक बात का आपने ध्यान रखना है कि आपने इसको फुल जो है वो कुक नहीं करना, वरना जब आप इसको मसाले के अंदर डाल के इसकी भुनाई करेंगे तो फिर आपको पता है कि इसका इसकी क्या हालत जो है वो हो जानी है। इसलिए आपने इतना कुक करना है कि जब आप इसको मसाले के अंदर डाल के इसकी भुनाई करें तो ये ख़राब ना हो। अब फिर इसमें जब पानी डाल दिया है भुनाई करने के बाद, इधर मुझे जो कश्मीरी चिकन कौरमा था उसमें मैंने गरम मसाला, धनिया पाउडर और कसूरी मेथी जो है वो शामिल कर दी है। इधर अब पानी में जो है वो बॉयल आ चुका था। अब इसमें मैंने चावल शामिल कर दिए हैं और चावल जो है वो मेरे 2 kg थे और 2 kg ही मेरा जो है वो बीफ था। तो बस इस तरह जो है आपने अब इसको और सॉरी इसकी मैंने आधी जो है कुछ यखनी थी और बाकी जो है वो मैंने इसमें पानी डाल दिया था। तो बस अब मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। उसके बाद मैंने इसके पानी ड्राई होने का वेट करना है। लेकिन पानी जो है आपने इसको फुल ड्राई नहीं करना। जब आप देखें कि इसमें थोड़ा पानी अभी बाकी है तो फिर आपने इसको 6 से 7 मिनट जो है वो दम लगा देना है। तो बस ये चटपट कश्मीरी बीफ बिरयानी आपकी रेडी है जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। ये आप देख सकते हैं हर चावल का दाना अलग अलग है और बिल्कुल जो है बहुत ही मज़े की बनी थी। निखरा निखरा हर जो है वो चावल का दाना है। तो बस इस तरह जो है ये हो गई थी मेरी बीफ बिरयानी, कश्मीरी बीफ बिरयानी तैयार। और उसके बाद फिर मैंने जो है चटनी वटनी वो रेडी कर ली थी।
और उसके बाद फिर मैंने जो शामी कबाब थे वो भी मैंने जो है वो फ्राई होने के लिए रख लिए थे। साथ जो मेरी जैली थी वो हो गई थी सेट। अब मैंने इसको काट करके एक लेयर मैंने इसकी लगानी है, फिर मैंने इसको ऊपर इसके कस्टर्ड डाल के तो फिर मैंने इसको ऊपर से जैली, इससे जैली के साथ ही जो है वो इसको गार्निश कर लेना है। बस ये जो है ना ग्रीन और रेड जैली जो है वो मैंने ली थी, और स्पेशली जो है ना बच्चे, आपको पता है ये वाला कस्टर्ड बच्चों को बहुत पसंद होता है, और मेरी फैमिली में जो है वो मीठा बिल्कुल शौक से नहीं खाया जाता मेरी ससुराली फैमिली में, लेकिन बच्चे ये जैली वाला रेड जैली वाला कस्टर्ड सारे बच्चे शौक से खा लेते हैं। उसके बाद ही फिर हमारा खाना लग गया था। ऐसे सच में खाने की कोई प्रॉपर तरीके से वीडियो नहीं शूट कर सकी थी क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा था, और बस मुझे लास्ट टाइम में बिल्कुल ही भूल गई थी कि मैंने वीडियो भी बनानी है। और बस इस तरह जो है फिर हम लोगों ने सबने खाना वाना खाया, और खाना खाने के बाद जी फिर हमने जो है वो की थी केक की कटिंग। और ये आप देख सकते हैं अजलान साहब का केक जो है वो आ चुका था, और अब हम जो है वो केक कट करेंगे। अजलान के मम्मा पापा ने केक कट किया। अजलान साहब जो है वो डर रहे थे, इनकी ये पहली बर्थडे थी और उनको समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे लोग क्यों जुमा हैं और ये क्या हो रहा है। अपने बाबा के साथ जो है वो चिपक रहा था, और बस इस तरह जो है हमने केक वेक कट किया। और केक कटिंग करने के बाद फिर जो है वो हमारी बच्चों ने तस्वीरें वगैरह जो हैं वो बनाई, वीडियोस वगैरह बनाई, और उसके बाद जी फिर जो है अब जो हमारे गेस्ट थे वो काफ़ी लेट हो चुके थे, अब रात के जो है ना वो 12:30 बज चुके थे। तो बस इसके बाद जी सब जो है केक वेक कट करने के बाद हमने केक जो है वो एंजॉय किया। अब हमारे गेस्ट वो जा रहे थे, बस हमने इनको अब सी ऑफ किया, और इनको सी ऑफ करने के बाद जी फिर हमने हमसे रहा नहीं गया, फिर हमने अजलान के जो गिफ्ट वगैरह थे वो भी हमने ओपन कर लिए थे, और इस तरह अजलान साहब भी गिफ्ट वगैरह देखे बड़े खुश थे। और उसके बाद फिर मैंने आके केक खाया था, केक खाते साथ ही जी मैं सो गई थी। अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग मैं आके किचन की हालत देखे परेशान थी, मेरी बेटी ने रात को ये कुछ बर्तन वगैरह थोड़े बहुत धोए थे और इधर ही उल्टी करके शेड पे रख दिए थे, और बहरहाल मैंने आके किचन में बर्तन वगैरह समेटे, पतीले वगैरह वाश किए, और उसके बाद किचन की क्लीनिंग करने के बाद फिर मैंने बनाई थी जी नाश्ता बनाया था। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों फैमिली फ्रेंड्स में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में एक न्यू टॉपिक न्यू वीडियो के साथ होंगी हाज़र। तब तक के लिए अल्लाह नगीबान।